Hello friends, welcome to my channel eGrammar. Now, in this video, we are going to learn about antonyms starting with letter C. Antonyms starting with letter C. Let's begin our video. Caution. Caution matlab hota hai satarkata. Uska antonym hua carelessness, rash, jo asavad hai, use kehte hum. Next one, callous. Callous ka matlab hota hai kathor. उसका एंटोनिम हुआ सॉफ्ट, टेंडर या नाइस, जो चीज नाजुक है उसे कहते हैं हम. नेक्स्ट वन, चेस्ट. चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, जो निष्कलंक है उसे कहते हैं हम चेस्ट. सो इसका एंटोनिम हुआ करप्ट, डिफाइल्ड, इम्प्योर, आप इसे अनचेस्ट भी कह सकते हैं, जो कलंकित है उसे हम कहते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, सर्टन. सर्टन मतलब निश्चित, उसका एंटोनिम हुआ डाउटफुल, अनसर्टन, अनश्योर. ओके, नेक्स्ट वन, केयर. केयर मतलब देखभाल करना, उसका एंटोनिम हुआ केयरलेसनेस, निग्लेक्ट, इग्नोरेंस. ओके, नेक्स्ट वन, कार्नल. कार्नल मतलब होता है कामुक, उसका एंटोनिम हुआ क्लीन, स्पिरिचुअल, डिसेंट, नहीं तो आप कह सकते मॉरल. ओके, नेक्स्ट वन, सेंसर. सेंश्योर. सेंश्योर का मतलब होता है निंदा करना, सो इसका एंटोनिम हुआ प्रेज, कॉम्प्लीमेंट. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन, चीप. चीप यानी कि बहुत सस्ता, ये तो बहुत कम लेवल का, उसे हम कहते हैं चीप. सो इसका एंटोनिम हुआ एक्सपेंसिव, कॉस्टली, वैल्यूएबल, जो कि बहुत महंगा है. ओके, नेक्स्ट वन, चीयरफुल. चीयरफुल मतलब होता है खुशी जाहिर करना, उसका एंटोनिम हुआ सीरियस, डिप्रेस्ड, सैड, जो कि बहुत उदास है. ओके, नेक्स्ट वन, कोल्ड. कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, उसका एंटोनिम हुआ गर्म, हॉट, वार्म. ओके, क्लेवर. क्लेवर मतलब होशियार, उसका एंटोनिम हुआ स्ट्यूपिड, फुलिश, इग्नोरेंट, जो कि मूर्ख है. ओके, नेक्स्ट वन, कंपेयर. कंपेयर की मतलब होता है कि तुलना करना, किसी के साथ आप जब तुलना करते हैं उसे कहते हैं हम कंपेयर. सो उसका एंटोनिम हुआ कॉन्ट्रास्ट, उसके कंप्लीटली अपोजिट रहता है. ओके, नेक्स्ट वन, कॉम्पिटेंट. कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि लायक, जो कार्यक्षम है उसे कहते हैं कॉम्पिटेंट. सो इसका एंटोनिम हुआ इनकॉम्पिटेंट, अनस्किल्ड पर्सन. ओके, नेक्स्ट वन, कॉम्प्रेस. कॉम्प्रेस का मतलब होता है दबाना, छोटा करना, उसे कहते हैं कॉम्प्रेस. सो इसका एंटोनिम हुआ एक्सपांड, एनलार्ज, एक्सटेंड, मतलब बढ़ाना. नेक्स्ट वन, कंफर्टेबल. कंफर्टेबल मतलब होता है कि आरामदायी, उसका एंटोनिम हुआ अनकंफर्टेबल. नेक्स्ट वन, कंपल्सरी. कंपल्सरी यानी कि जो चीज़ बहुत आवश्यक है आपको, उसे कहते हैं हम कंपल्सरी. सो उसका एंटोनिम हुआ ऑप्शनल, इनएसेंशियल, हम इसे कहते हैं. नेक्स्ट वन, कंप्लाई. कंप्लाई का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप स्वीकारते हो, उसे कहते हैं हम कंप्लाई. सो उसका एंटोनिम हुआ डिनाई, डिसअप्रूव, अपोज, आप ये भी कह सकते हैं कि रिफ्यूज़ करना, नाकारना, हम ऐसे बोलते हैं उसके. नेक्स्ट वन, कन्फेस. कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना. कन्फेस का मतलब होता है कि कबूल करना, उसका एंटोनिम हुआ रिफ्यूज, डिनाई, रिजेक्ट. ओके, नेक्स्ट वन, कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट माने के आत्मविश्वास. सो इसका एंटोनिम हुआ अनसर्टन, डाउटफुल,
इसे ये भी कह सकते हैं कि डिफिडेंट, ये इसका एक एंटोनिम हो सकता है. नेक्स्ट वन कॉनकॉर्ड. कॉनकॉर्ड का मतलब होता है सहमत होना किसी चीज़ से. सो इसका एंटोनिम हुआ डिसकॉर्ड. और आप ये कह सकते हैं कि डिसएग्रीमेंट, असहमत होना. नेक्स्ट वन कॉन्क्वेस्ट. कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है कि आप विजय पाते हो किसी चीज़ पे. सो इसका एंटोनिम हुआ डिफीट, सरेंडर, लॉस. नेक्स्ट वन कंटेम्प्टिबल. कंटेम्प्टिबल मतलब होता है कि घिनौना, अशुद्ध हम इसे कह सकते हैं. सो उसका एंटोनिम हुआ लवली, काइंड और डिलाइटफुल. आप ये भी कर सकते हैं कि वर्दी है, लवेबल है, मतलब जो कि प्रशंसनीय चीज़ है. ओके नेक्स्ट वन कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स मतलब होता है उत्तल. सो उसका एंटोनिम हुआ कॉनकेव, मतलब अवतल होना. नेक्स्ट वन कंसाइज. कंसाइज का मतलब होता है कि आप संक्षिप्त है, छोटा है, उसे हम कहते हैं कंसाइज. सो उसका एंटोनिम हुआ लेंदी, बड़ा है. नेक्स्ट वन कॉर्डियल. कॉर्डियल का मतलब होता है कि एक मैत्रीपूर्ण संबंध है हमारे बीच में, उसे कहते हैं कॉर्डियल. सो उसका एंटोनिम हुआ कोल्ड, सैड, रूड, फ्रीज, जिसमें आपके बीच में जो मैत्री है उस चीज़ का अभाव है उसमें. ओके नेक्स्ट वन क्रूड. क्रूड मतलब अशुद्ध. सो उसका एंटोनिम हुआ रिफाइंड, क्लीन, प्योर. नेक्स्ट वन कर्सरी. कर्सरी का मतलब होता है अविचारी. सो उसका एंटोनिम हुआ डिटेल, परफेक्ट. नेक्स्ट वन कन्वीनियंस. कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा, सहूलियत. सो इसका एंटोनिम हुआ इनकन्वीनियंस, डैमेज. ओके नेक्स्ट वन कंटिन्यू. कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, ये आप जानते होंगे. सो इसका एंटोनिम हुआ डिसकंटिन्यू. आप ये भी कह सकते हैं कि हॉल्ट देना, बंद करना, इसका मतलब होता है. नेक्स्ट वन कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि सिकुड़ना. सो इसका एंटोनिम हुआ एक्सपांड, एनलार्ज, जिसको हम बढ़ाते हैं उसे बोलते हैं हम. नेक्स्ट वन क्रिएट. क्रिएट का मतलब होता है कि निर्माण करना, बनाना. सो इसका एंटोनिम हुआ डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, एंड मतलब इसको नष्ट कर देना. ओके नेक्स्ट वन क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना. सो इसका एंटोनिम हुआ डेबिट. अंडरस्टूड मतलब खर्च करना. नेक्स्ट वन कलैमिटी. कलैमिटी का मतलब होता है आपदा, संकट कोई भी. सो उसका एंटोनिम हुआ प्रॉस्पेरिटी, ट्रिंक्वालिटी, मतलब कुशल है, समृद्ध है. ओके नेक्स्ट वन कैपेबल. कैपेबल का मतलब होता है कि सक्षम. सो इसका एंटोनिम हुआ इनकैपेबल, मेलेड्रॉइड. ओके नेक्स्ट वन कार्बन. कार्बन मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये डुप्लीकेट चीज़ है. सो उसका एंटोनिम हुआ ओरिजिनल. नेक्स्ट वन केयरफुल. केयरफुल मतलब आप कह सकते हैं चिंतित होना. सो उसका एंटोनिम हुआ केयरलेस, रेकलेस. नेक्स्ट वन सिविल. सिविल मतलब होता है सभ्य. सो उसका एंटोनिम हुआ रूड, इम्पोलाइट, होस्टाइल, जो कि असभ्य वर्तन करते हैं उनको कहते हैं हम. नेक्स्ट वन काम. काम का मतलब होता है शांत. सो उसका एंटोनिम हुआ टर्बुलेंट, वाइल्ड, वॉयलेंट, जो बिल्कुल शांत नहीं रहते, जो अलग तरह का वर्तन करते हैं उसे कहते हैं हम. नेक्स्ट वन चीटर, ये आप जानते हो. चीटर मतलब बेईमान. सो उसका एंटोनिम हुआ ऑनेस्ट, ट्रूथफुल. नेक्स्ट वन
कंप्लेन का मतलब आप जानते हैं कि शिकायत करना. सो उसका एंटोनिम हुआ डिफेंड, एक्सेप्ट, रेटिफाई. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, कैंसल. कैंसल मतलब रद्द करना. सो उसका एंटोनिम हुआ कन्फर्म, अलाउ. इसका मतलब होता है स्वीकारना. नेक्स्ट वन, चेंज. चेंज मतलब आप जानते हैं, चेंज का मतलब होता है बदल देना. सो उसका एंटोनिम हुआ फिक्स, सिमिलैरिटी. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, चोक. चोक का मतलब होता है दम घुटना. सो उसका एंटोनिम हुआ ब्रीद, ओपन या फ्री. ओके, चोक का मतलब आप यही नहीं ले सकते कि दम घुटना, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रोक लेना ऐसा भी कह सकते हैं उसको. ओके, बात. नेक्स्ट वन, कलेक्ट. कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना. सो इसका एंटोनिम हुआ स्कैटर, डिस्ट्रीब्यूट. ये भी एक हुआ. नेक्स्ट वन, कॉमिक. कॉमिक मतलब मज़ेदार, हंसाने वाला, कॉमिक. सो इसका एंटोनिम हुआ सैड, ट्रेजिक, सीरियस. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, कंफर्ट. कंफर्ट मतलब आराम, नहीं तो आप ये कह सकते सुविधा. सो इसका एंटोनिम हुआ इनकन्वीनियंस. आप इसे ये भी कह सकते कि डिसकम्फर्ट. ओके, नेक्स्ट वन, कांस्टेंट. अब कांस्टेंट का मतलब आप जानते हैं कि जो चीज़ वैसे के वैसे ही रहती है उसे कहते हैं हम कांस्टेंट. सो इसका एंटोनिम हुआ चेंजेबल, जिसमें बदलाव आता है. ओके, नेक्स्ट वन, कैप्चर. कैप्चर यानी कि पकड़ना. सो इसका एंटोनिम हुआ रिलीज या फ्री, मतलब छोड़ देना. ओके, नेक्स्ट वन, कंप्लीट. कंप्लीट मतलब के किसी चीज़ की जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है. सो उसका एंटोनिम हुआ बिगिन, स्टार्ट, इनिशिएट. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, कंट्रोल. कंट्रोल यानी कि नियंत्रण होना. उसका एंटोनिम हुआ डिस्टर्ब, मिसलीड. ओके, नेक्स्ट वन, क्राइम. क्राइम का मतलब होता है अपराध, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई अपराधी हो उसको हम क्रिमिनल बोलते हैं. सो क्राइम. सो वर्च्यू, काइंडनेस. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, क्राई. क्राई का मतलब होता है कि रोना, नहीं तो चिल्लाना. सो उसका एंटोनिम हुआ लाफ, स्माइल. अंडरस्टूड? Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.